डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं। डिप्टी सीएम ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हॉस्पिटलाइज है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये जानकारी मिली है। ये लीजिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये ट्वीट है स्क्रीन पर। मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। विगत दिनों से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के उपरांत डॉक्टर्स की निगरानी में घर पर ही आइसोलेट था। बेहतर चिकित्सा हेतु अस्पताल भर्ती होना पड़ रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, डिप्टी सीएम की भी हेल्थ की कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि घर पे आइसोलेशन में रहने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही, ठीक ठाक तो है सब कुछ? देखिए, ठीक है, हालत स्थिर है, लेकिन चूंकि 3 दिन पहले उनकी जो पत्नी है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है पीजीआई में, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एडमिट हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा संक्रमण जो है वो बताया जा रहा है कि फेफड़ों में है, और इसी वजह से जो है वो फॉर डॉक्टर्स की सलाह पर थोड़ा सा सावधानी के लिए और बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं के लिए उन्हें एडमिट कराया गया है। हमारी 2 दिन पहले खुद जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य बेहतर है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले उनकी पत्नी को भी पीजीआई में एडमिट कराया गया, उनके भी लंग्स में ज़्यादा जो हम कहें तो संक्रमण वो था, इसलिए डॉक्टर ने उनको पहले एडमिट कराया, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा भी एडमिट हुए हैं तो लंग्स में ही थोड़ा संक्रमण की बात सामने आ रही है, और बेहतर तरीके से इलाज मिल सके इसीलिए उनको डॉक्टरों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया।